जब आप 200 सीसी सेगमेंट ले रहे तो आर एस 200 भी आती थी बजाज की भाई। हर नहीं है हाँ, तो तुम बोल सकते बिल्कुल, अगर होएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा भाई क्या है ये भाई। दूसरे गियर पे या तीसरे गियर पे चल रहे हो तो भी वाइब्रेशन इशू आता है जब है ना, जैसे मैं घेरनी जिसमें अपने सामने खड़ी आज KTM की RC 200 2015 मॉडल DS3। तो भाई आज इसका लेने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू। ओनरशिप जो इसके ओनर हैं वो है हमारे गोलू भाई। गोलू भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल गेट रेडी टू राइड में। तो भाई आज ये जरा फ्रेम में और आपका लेते हैं ओनरशिप RC 200 के ऊपर। तो भाई सबसे पहले ये हमारी है BS3 मॉडल, ठीक है। तो ये आपने कब ली थी, कितना टाइम हो गया? मैंने 2021 में ली थी। अच्छा, दिसंबर में। ओके, 2021 में आपने ली थी। तो आपको कितने की पड़ गई थी ऑन रोड? ये ऑन रोड, वैसे ऑन रोड हमने सेकंड हैंड ली थी। अच्छा, सेकंड हैंड ली थी। कितने की पड़ी थी? ये मेरे जीजू के भाई ने दी थी, तो ये 90,000 की दी थी। अच्छा, 90,000 भाई, काफी बजट में बाइक मिल गई, बहुत सस्ते मिल गई आपको, है ना? रिलेटिव है ना हमारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी चल रखी है अभी तक देखते हैं भाई जरा। 42,000 गाइस, ठीक है फ्रेंड्स, 42,000 चली हुई है। तो भाई आपने सेकंड हैंड बाइक ली, तो इससे पहले आप कौन सी बाइक चलाते थे? इससे पहले भाई मैं बाइक नहीं चलाता। अच्छा, बाइक नहीं चलाते, तो इससे स्कूटी वगैरह चलाते होगे? स्कूटी हमने 3 महीने पहले ली थी, उसके 3 महीने बाद फिर हमने ये ली। अच्छा, तो आपको एक बाइक और ली थी, कौन सी? अच्छा, स्प्लेंडर। ओके, तो भाई आपने डायरेक्ट स्कूटी से 100 सीसी के इंजन से 200 सीसी के ट्रांसफर करा, तो आपको पिकअप में या फिर इसकी जो कह सकते हो पावर में क्या डिफरेंस लगा? डिफरेंस देखो पूरा है, जमीन आसमान का, है ना? जमीन आसमान का फर्क है इसमें। और मेरे को बाइकिंग बाइक चलाना बहुत टाइम से आता था, बट ये थी पर्सनल बाइक नहीं थी कोई। अच्छा, पर्सनल आपने डायरेक्ट एक हफ्ते में पूरा ट्रेन हो गया था, कैसे मतलब इसको चला सकता है पूरा। अच्छा अच्छा, तो सबसे पहले आपने KTM ही चूज क्यों करी? जब आप 200 सीसी सेगमेंट ले रहे तो RS 200 भी आती थी बजाज की भाई। अच्छा मतलब आपको ड्रीम होता है यार। अच्छा, ड्रीम RC का, KTM का ना, मतलब बॉयज का ड्रीम होता है KTM, बाकी कुछ भी बोले। हाँ, भाई छपरी क्या बुलाते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। देखो तुम्हारे पे क्योंकि हर नहीं है हाँ, तो तुम बोल सकते बिल्कुल, अगर होएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा भाई क्या है ये। भाई फर्स्ट लव होता है कि नहीं, तो वही बात है। क्योंकि कोई कुछ बंदे ऐसे हैं ना जो कि इस पे स्टंट वगैरह करते हैं, है ना, और बिना हेलमेट वगैरह हाँ, गेट्स वगैरह के चलाते हैं। चार बंदे देखे थे हाँ, KTM पे चार बंदे बैठे। वही तो, वही इस KTM को छपरी बना के छोड़ेंगे और छोड़ रखा है ना, इसीलिए इसकी सेल भी डाउन जा रही है। तो भाई इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये देख सकते हो बहुत ही कम है, तो इसका क्या कहना है? नीचे लगती नहीं है जब आप ब्रेकर वगैरह पार करते हो तो? ब्रेकर में मतलब मेरे को अगर मैं 40 की स्पीड में जाऊं तो लगेगी। अच्छा, अराउंड वो लगती लगती है। अगर मैं इसको बिल्कुल फर्स्ट गियर पे जाके मतलब 5-10 की स्पीड में जाऊं नहीं लगती थी। अच्छा, तो कुल मिला के मतलब बहुत स्लो करके बाइक निकालनी पड़ती है ना, तो इसके थोड़ी दिक्कत है इसमें, है ना। ओके, और बाकी इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो आप शेयर करना चाहते हो हमारी ऑडियंस के साथ? ABS नहीं, नॉन ABS। अच्छा, नॉन ABS है ना, तो ये डराते होंगे आप, मतलब टॉप स्पीड कितनी मारी है आपने इसमें? मैंने 160 टॉप अप कर रखी है। 160 टॉप अप कर रखा है गुड़गांव हाईवे। ओ भाई साहब, तो भाई काफी 160 तो काफी हो जाता है। बाकी जैसे लीनिंग वगैरह करते हैं, कॉर्निंग वगैरह करते हैं, लीनिंग में भाई अच्छी गाड़ी, पीछे का अपना टायर चेंज करवा लेते। अच्छा हाँ, वो तो है ही, देख सकते हो आपने। वो इतना वो नहीं होता, मैंने नया लगवा रखा है। कब लगवाया टायर आपने ये? ये भी जब लेके आए थे तभी। अच्छा, 140 सेक्शन का देख सकते हो गाइस, 140 सेक्शन का टायर लग रखा है इसमें अपोलो का। और बाकी इसका जो पिकअप के बारे में देखो, जैसे मैंने अभी चलाई है तो भाई पिकअप तो काफी हाई लगा मुझे, आपका क्या कहना है इसमें? भाई इसमें पिकअप बहुत अच्छा है, अगर सोलो राइड कर रहे हो हाँ, मतलब पीछे कोई नहीं बैठा तो भाई सोलो में आप इसको लेके जाओगे ना भाई मजा आ जाएगा ना, बहुत तेज निकलती है। अच्छा, गोली की तरह शू है? हाँ, बस सुपर बाइक की तरह नहीं जा सकती हाँ। स्पोर्ट्स बाइक में तो एक मिनट निकल जाती है। ओके, तो भाई 200 सीसी सेगमेंट में काफी अच्छी बाइक है ना KTM में। तो अगर इसमें पिलियन के साथ कम्फर्ट कैसा है इसका? कंफर्ट सही है, बस जब ब्रेकिंग होती तो आगे वाले बंदे को तुम समझ सकते हो मैं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज होती है ना हाँ, अखरोट टूट जाते हैं वही, तो मैं कह नहीं सकता हाँ, की बिल्कुल 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 भाई, बस वही प्रॉब्लम हाँ, ब्रेकिंग लगती है तो। अच्छा, जो इसका सीट कंफर्ट है आपके लिए भाई? सही है कंफर्ट, तो मतलब बैक वगैरह दर्द नहीं करती? बैक नहीं करती यार, नेक पे और यहां पे। अच्छा, एल्बो तो बिल्कुल सीधा रहता है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एग्रेसिव पोर्शन काफी है ना इसमें। ओके, और जो
पिलियन पिलियन का क्या कहना, अगर पिलियन के साथ भी बैठे हो गए आप या फिर आप पिलियन बन के बैठे हो गए, बैठना आता है ना स्पोर्ट्स बाइक पे तो उसके साथ मैं कंफर्टेबल राइड कर लूंगा। अगर अच्छा। जिसको नहीं आता ना वो क्या करता है हेलमेट के यहाँ पे अपना हेलमेट लगा लेगा, बिकॉज फिर मैं सर नहीं ला सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसको बैठना आता है वो उसके साथ कंफर्टेबल राइड हो जाती है, जिसको नहीं आता फिर उसको। ओके तो भाई, भाई की शौक देख रहे हो, की देख रहे हो यार, की क्या बनवा रखी है, देखो फ्लिप की बनवा रखी है भाई ने। तो भाई एक बार इसकी आवाज सुनाओ एक बार आपको, BS3 मॉडल की। ये चेक करो गाइस, इसमें KTM हमको देती है BS3 RC 200 में अंडर वैली एग्जॉस्ट, और इसकी एक बार आवाज सुनाओ ये नॉर्मल है, और एक बार रैप करना भाई। अंडरबैली एग्जॉस्ट मुझे पर्सनली काफी बेस्ट लगता है, आपका क्या कहना है अंडरबैली एग्जॉस्ट को लेके? अंडरबैली भाई सीरियसली में कंफर्टेबल राइड होती है ना, बाहर साइलेंसर होता है, किसी का पैर ना लग जाए उतरते समय, मारा ही ना लग जाए, बिल्कुल अंडरबैली में कुछ ऐसा नहीं होता। और एक उसका फायदा ये भी हो जाता है कि गाड़ी काफी छोटी लगने लगती है ना, तो गाड़ी का लुक एकदम काफी एनहांस हो जाता है। भाई अब बात करते हैं इसकी फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक हमें जो इसमें दे रखा है कंपनी से वो 10 to 11 liter है ना, तो अराउंड आपको मतलब लॉन्ग टूर आराम से हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। आपको माइलेज कितने की निकाल के दे रही है ये BS3? वैसे कंपनी जो बोलती है वो 35 बोलती है, बट ये अराउंड 30 to 25 के बीच में देती है। अच्छा, हाईवे पे 30 तो दे ही देती है मैक्सिमम। अच्छा अच्छा, भाई 200cc का इंजन भी है तो उसी हिसाब से 30 तो ठीक है, कोई ज़्यादा भी नहीं है बाकी। और इसमें वाइब्रेटिंग इशू बताओ यार, क्योंकि अभी मैंने चलाया ना मुझे वाइब्रेशन काफ़ी इसमें ज़्यादा लगी। एक बार देखो आपको दिखा भी देता हूँ फ्रेंड्स, पत्तों से देखो ये चेक करते हैं एक बार चलाना भाई, स्टार्ट करो, वाइब्रेशन देखना गाइस, करना रैप करो, ये चेक कर सकते हो वाइब्रेशन के मामले में क्या कहना है आपका इसमें? भाई मेरे को तो जैसे 160 जाता हूँ ना बहुत ज़्यादा जब होता है। अच्छा, जब लगता है, वरना 100 चलाता हूँ तो इतना। अच्छा, जैसे एक पहले गेट से दूसरे गेट पे या तीसरे गेट पे चल रहे हो तो भी वाइब्रेशन इशू आता है जब, है ना? जैसे मैं घेरनी जिसमें भी देख सकते हो जो हमारी KTM है, पहले के जो मीटर कंट्रोल थे पहले से और अब तक BS6 में, BS3 से BS6 का जो इनका सफ़र है सिर्फ 1 meter पर अटका हुआ है, सिर्फ 390 में इन्होंने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा, बाकी अभी तक नॉर्मली चल रहा है 250 सेगमेंट तक। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है KTM की तरफ से हमारे लिए, वापस नहीं चला दूसरे पे, नॉर्मल स्पीड पर भी चला दो तब भी वाइब्रेशन इशू आता है। तो भाई ऐसा है कुछ हमारे RC 200 BS3, बाकी टॉप अप भाई ने 160 कर रखा है इसका, तो बाकी आपको कमेंट करके बता देना अगर और किसी बाइक की आपको ओनरशिप रिव्यू चाहिए। तो भाई ये स्विच का क्या लगा रखा है आपने यहाँ पे? ये 1000 slide। अच्छा, 1000 slide का, ओके। तो भाई धन्यवाद आप हमारी वीडियो में आने के लिए गोलू भाई। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे कोई अगली सी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।